तो यहाँ चीता आते रहते हैं, तो दिखाता हूँ तुम्हें। हमारे साथ हमारे गाइस दो निगाह पहुंचे, मम्मी ताली दो। हमारी गाड़ी के अंदर तो यहाँ पे देख सकते हो। हेलो गाइस, क्या हाल सभी के। और ये वाला व्लॉग जो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप देख सकते हो ये मेरे गांव का व्लॉग है जो कि है उत्तराखंड, एंड मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ तुम्हें अगर नहीं पता तो। एंड देख सकते हो यार पूरी तरफ जंगली जंगल होते हैं उत्तराखंड, तुम्हें पता ही है हिली एरिया है। एंड भाई ये रात का टाइम था जब हम पहली बार, मतलब मैंने जब सेंसेस, क्योंकि बच्चा था मैं जब, तब गया था इतनी रात में। ये तो हम जब भी जाते हैं तो सुबह सुबह जाते हैं, बट इस बार हम बहुत रात में गए थे। और भाई रात में बहुत ज़्यादा खतरा होता है जंगली जानवरों का, खासकर यहाँ पे लेपर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लेपर्ड और टाइगर तो, मतलब टाइगर तो प्लेन्स में मिल जाते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेपर्ड्स का खतरा होता है। और अगर तुम्हें नहीं पता, लेपर्ड से भाई एक ऐसा जानवर है जो कि तुम्हें इग्नोर नहीं करता, सीधा अटैक करता है। एंड तुम अगर देख सकते हो तो मैं सेंटर में बैठा हुआ था और मुझे भी लेपर्ड दिखा, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि तुम यहाँ पे देख सकते हो भाई हर टाइम रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल होता है किसी के लिए भी, और स्टोरेज नाम की भी चीज़ें तुम्हें पता ही है। तो ड्राइवर भैया जो थे उन्होंने मेरे को बताया कि लेपर्ड है करके, एंड मेरी भी बिल्कुल सेम नज़र उनकी तरह ही थी क्योंकि सेंटर में बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने भी देखा एंड मैंने भी देखा, बट मेरे पेरेंट्स एंड मेरे भाई ने नहीं देख पाया क्योंकि वो दोनों इधर उधर देख रहे थे, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट में बैठे होते हैं मेरे, सो उनका ध्यान कहीं और था। बट ये रूट जो है वो बहुत ज़्यादा स्केरी था भाई, हमें तो बहुत डर लगा था क्योंकि हमारी आंखें ना, जब कोई भी पहाड़ वाला बंदा होगा उसे पता ही है, रात के टाइम हमारी आंखें हमेशा बाहर की तरफ होती हैं, रूट्स की तरफ होती हैं, हम झाड़ियों की तरफ देख रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें टाइगर दिख जाए। किसी ने अगर टाइगर या लेपर्ड नहीं देखा तो तुम्हें भाई ये बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है अंदर से, एक उत्साह होता है कि भाई अगर दिख गया तो मज़ा आ जाएगा और रिकॉर्ड भी हो जाएगा, बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट मैंने भाई जो देखा ना, एपिक था भाई रिएक्शन, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को, मिलते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एक नई शुरुआत दोबारा से। तो यार आज ना तुम्हें एक बताना है, तो यहाँ चीता आते रहते हैं, तो दिखाता हूँ तुम्हें एक इंसिडेंट। गोल्डन शेफर्ड है ब्लैक कलर का, ठीक है, बगीरा, इसका नाम बगीरा है, ठीक है। इसको ना यहाँ पे बाघ आया था, इधर इनका है ये कुत्ता, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीता आया था, इस टाइम ये बहुत छोटा था, ठीक है। अब तो ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसका घाव भी जा चुका है वो, तो इसको उठा के ले गया था, मतलब थोड़ा सा शोर मचा दिया था वहाँ पे ना, जैसे उन्होंने देखा कि चीता आया करके, तो सभी ने शोर मचा दिया, तो उसे छोड़ के चले गया वो। तो अभी तो इसका वो गले पे निशान था बहुत तगड़ा, जो कि अब है नहीं क्योंकि बहुत छोटे में था वो निशान। बाकी यार मौसम देखो तुम तो, यहाँ पे ना कॉमन है यार चीता वीता, तो बहुत चीता तो आ ही जाता है यहाँ पे। ये हमारा घर है, ये रहा इधर, बस ये इसके जो सामने ये वाली बिल्डिंग जो है इसके यहीं पे था चीता। बाकी सांप मतलब हमने कभी नहीं देखे यार, बट हमने कभी नहीं देखे, पर यहाँ कॉमन है दिखने, हमने कभी नहीं देखे, बट ये किस्मत है। स्टेबिलिटी रिकॉर्ड हो रही है तो मैं भाग रहा हूँ अभी, अब पता नहीं कितना देखते हैं स्टेबल है। तो ये हम मम्मी के पास पहुँचे, मम्मी ताली दो। ये हो तो अब वापस भाई भाग रहे हैं, तेज तेज भाग रहे हैं। जितना बड़ा उत्तराखंड डाइवर्सिटी में है, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे भगवानों को भी पूजा जाता है। देवभूमि जैसे कि आपको पता ही होगा उत्तराखंड का दूसरा नाम भी है, साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग तरीके की कल्चर, जैसे हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है ही, एंड डिफरेंट टाइप के कल्चर और फेस्टिवल मनाए जाते हैं उत्तराखंड में भी। और उत्तराखंड में खाने का भी बहुत अलग तरीके के वेराइटीज़ मिलते हैं। अगर आप बात करोगे तो मंदिरों की, तो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है हमारे शिव जी भगवान जी का मंदिर केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, आपको पता ही होगा। यहाँ पर भी हमें पुराणों के अलग अलग तरीके के रॉकेट स्कल्पचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। भाई तो अभी आ चुके हैं, एक घंटा और क्या बाची है, एक रोड टेम्परेरी हमारी गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे देख सकते हो तुम पट्टे भी कैसे लगे हुए हैं इसमें, ये देखो दरवाजे के पट्टे देखो, ये देखो सीट बेल्ट के भी टेम्परेरी। तो दोस्तों चाचा से तो हमने बात कर ली है, चाचा जी ने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया, बट आज हम जा रहे हैं देघाट। देघाट जो कि हमारी माता का मंदिर भी है वहाँ पे, और साथ ही साथ भैरव भगवान जी का मंदिर भी है, उसके अलावा वो एक मार्केट प्लेस भी है, बहुत अच्छी मार्केट है वहाँ पे। और साथ ही साथ यार वहाँ एक तरीके से फास्ट फूड अच्छा खासा मिलता है वहाँ, चाउमीन हमें बहुत अच्छी लगती है। और गाँव के यार तुम्हारे ऐसे कॉमन फूड्स होंगे जो तुम्हें बहुत अच्छे लगते होंगे, क्योंकि यार गाँव के पानी का स्वाद जो होता है ना वो कुछ अलग ही होता है हमारे नॉर्मल पानी से, एनवायरमेंट तो है ही फर्क। सो गाइस अभी आ चुके हैं देघाट में, सो ये थोड़ा सा लगभग 1-2 किलोमीटर के आसपास ही पड़ता है हमारे गांव से, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते ही आते हैं। और अभी हम एक मूर्ति में आ रहे हैं जो कि शिव भगवान की लगी पड़ी है,
तो दोस्तों मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने आता हूँ। तो अभी आपको जो ब्रिज दिख रहा है ट्रस्ट ब्रिज है, अगर आपको टाइपोलॉजी बताया है तो इससे पहले जो था वो यहाँ पे केबल ब्रिज था, जो कि ब्रिटिश टाइम में बहुत कॉमन होता है, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कहानी है। तो हुआ क्या, 19th सेंचुरी की बात है, एक बहुत बड़ा मेला यहाँ पे लगा हुआ था। तो उस टाइम पे काफ़ी लोग आए एंड उस केबल ब्रिज के ऊपर चढ़ गए, बट वो ओवरलोड होने के कारण वो जो ब्रिज था वो टूट गया एंड बहुत लोग इसमें घायल हो गए और बहुतों की मृत्यु भी हो गई थी। Later that same evening. देखो अभी दोबारा ऑफिस आ गए हम, और मेरा भाई और ये छोटी बहन देख सकते हो, दिख रहे होंगे तुम्हें अच्छे खासे, ठीक है। और तुम ये देख सकते हो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, यहीं से ही उसके थ्रू ऊपर से नीचे आते हैं बंदर। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने साइड प्लान बना दिया थोड़ा बहुत, और इसको डिटेल बाद में हम करेंगे। अभी हम अपने गांव में हैं, और एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लगी, तो यार ये वाला जो पिक्चर है ना इसे हम बनाएंगे वापस अपने घर जाके, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है, इसी पर्सपेक्टिव को हम वापस बनाएंगे, एक बार पर्सपेक्टिव में भी क्रिएट करेंगे, एक में सिर्फ और सिर्फ हम इतने व्यू को बनाएंगे जितना तुम अभी देख रहे हो इस पिक्चर में, एंड इसको हम बनाएंगे विद वाटर कलर्स, कलर पैलेट जो कि इससे मैंने बनाया, एंड बाकी के जो है जो भी तुम्हें इसमें दिख रहा है वो हम पेंसिल से क्रिएट करेंगे, एंड पेंसिल से देखते हैं कि हम कितना उससे सिमिलर बना पाते हैं। साथ ही साथ कलर वाले के अंदर मैं बादल और इन सबको भी लाने की कोशिश करूँगा, बाकी देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं, एंड कुछ इस तरीके से हमारा ओवरऑल होने वाला है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ड्राइंग में।